बहुत लोग रेड बिली पिराना को भी मतलब छोड़ देते हैं लोकल, वो तो बहुत खतरनाक है। तो इस तरह से बहुत न्यूज़ पे भी आप लोग देखे हैं। सो गाइस, आज हम लोग मछली पकड़ने आए हैं। एंड फिश बेट कैसे बनाता है आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मछली है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खेल रहा है। तो आज का जो मेन टॉपिक है, एक्वेरियम का फिश को लोकल वाटर बॉडीज पे क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज आप लोगों को एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज गोपाल और मैं फिशिंग कर रहे हैं और एक छोटा सा मेरा क्रू मेंबर मछली छोड़वाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग पे, मैं बोला एक्वेरियम फिश को लोकल वाटर बॉडीज पे क्यों छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले रिसेंटली आप लोगों ने देखा था प्लेको को लेके बहुत जगह पर न्यूज़ आर्टिकल छपा था वाराणसी पे। प्लेको को आप लोग लोकल वाटर बॉडीज पे, जैसे आप ये पॉन्ड देख रहे हैं, कभी मत छोड़िएगा। क्या होता है सीन में बता रहा हूँ, ये पॉन्ड पे बहुत एल्गे रहता है तो प्लेको बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, ठीक है, और हर जगह वो लोग अंडा दे देगा। और ऐसा नहीं छोटा मछली को वो खाता है, बड़ा मछली को कुछ करता नहीं है, छोटा मछली को खा सकता है। एंड एक प्लेको से अगर आप दो तीन प्लेको छोड़ोगे तो दो तीन प्लेको से 100 प्लेको, 100 से 1000 प्लेको ऐसा हो जाएगा। तो लोकल वाटर बॉडीज जो भी फिश फार्मिंग करेगा उसका प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया प्लेको का छोटा सा मतलब बता दिया मैं। एंड प्लेको का मोस्टली एक्वेरियम शॉप में दो टाइप का मिलता है, एक ब्लैक और गोल्डन, और एक गोल्डन कलर का, ठीक है। ये मछली उठेगा कि नहीं पता नहीं। ये हो गया प्लेको का। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल फिश में कुछ। तो बहुत लोग बोलता है कि गोल्ड फिश को या कोई कार्प को पॉन्ड पे अगर कोई छोड़ देगा तो क्या होगा। देखिए गाइस, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता साइड में बहुत सारे फार्म्स है, ब्रीडर है, वो लोग ऐसे ही मतलब लोकल जो पानी देख रहे हैं यहाँ मॉस्किटो नेट लगा के फार्मिंग करता है, बैरियर टाइप का, बैरियर टाइप का कर देता है। तो कोई कार्प जो हो गया गोल्ड फिश, वो लोग इजीली सर्वाइव कर लेगा इस तरह का पॉन्ड पे। हाँ, अगर कुछ बड़ा टाइप का बड़ा कार्प या देसी मांगुर सिंगी मांगुर रहेगा तो देखिए फिश पकड़े गए हम लोग तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो गोल्ड फिश इजीली सर्वाइव कर लेगा लोकल पॉन्ड पे, एंड कोई कार भी सर्वाइव कर लेगा। सबसे मेन डेंजर जो पॉइंट है गाइस, वो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मेरा चैनल पे आप लोग को जो मेन देखने को मिलता है एलिगेटर गार्ड, ए साला एडो आसनसोल दिखे जेटा सिलोट ना गार्ड एडा पायमा, उनको अगर आप लोकल पॉन्ड पे छोड़ोगे तो क्या होगा। देखिए गाइस, बहुत लोग हॉबिस्ट मेरा चैनल पे देखते हैं या यूट्यूब में बहुत जगह देखते हैं एरापाइमा एलिगेटर गार्ड, ठीक है, तो उनको मतलब इंस्पिरेशन लगता है चलो हम लोग भी रखेंगे। तो विदाउट पनेलिंग वो लोग खरीद लेता है, 3 फीट टैंक पे, 4 फीट टैंक पे रखता है। फिर एक साल बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक्वेरियम का फिल्टर हटाने लगता है, दूसरे फिश को मारने लगता है, तो गाइस जब भी वो बड़ा हो जाता है एक्वेरियम पे हॉबीज लोग रख नहीं पाता है, वो लोग इस तरह का नदी पे रिलीज कर देता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है, वो लोग बहुत हार्डी फिश रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग कोई भी वाटर पैरामीटर टेम्परेचर कुछ नहीं सर्वाइव कर लेगा। एक्वेरियम पे फिश बहुत स्लो ग्रोथ करता है एज कम्पेयर टू पॉन्ड। तो ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, ये तो एक छोटा सा पॉन्ड है। तो इस तरह से बहुत न्यूज़ पे भी आप लोग देखे हैं एरापाइमा 6 फीट का, 5 फीट का, एलिगेटर गार का 3 फीट का, 4 फीट का पकड़ता है। तो वो लोग इतना खाता है ना, मतलब कोई भी अगर जो लोकल फिशरमैन जो यहाँ फार्म करता है छोटा मोटा फिशेज अगर छोड़ेगा, वो लोग सब कुछ खा लेगा, धीरे धीरे करके खाएगा और बड़ा होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि पॉन्ड पे छोड़ दिया एक साल बाद मर जाएगा, एलिगेटर गार मरने वाला चीज़ नहीं है, वो प्री हिस्टोरिकल फिश है, डायनासोर का हिस्से है। एरापाइमा भी सेम, बहुत पुराना फिश है गाइस एंड बहुत हार्डी रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग पानी का नीचे रहता है, अरवाना जैसे टॉप पे स्विम करता है, तो वो लोग पानी का नीचे रहते, इसीलिए आप लोग को देखने को नहीं मिलता।
सो गाइस रिसेंटली बहुत सारा न्यूज़ पे भी दिखा है एंड मेरा इधर कोलकाता में भी मेदिनीपुर में भी एक बार दिखाया गया था न्यूज़ पे, एलिगेटर गार किसी ने गलती से एक नदी पे छोड़ दिया था एंड मालिक जो है 2 साल से फार्मिंग कर रहा था बट उसका जितना वो इन्वेस्ट करता था उसका हाफ भी नहीं आता था, सारा फिशेस कहाँ जाता था मतलब वो लोग देख नहीं पाता था, समझ में नहीं आता था कहाँ जा रहा है फिशेस। तो एक दिन वो लोग ताना जाल मारा, ताना जाल मतलब देख सकते हैं एक कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक जाली मिलता है, पूरा पोखर कवर हो जाता है। तो वो ताना जाल जब इस पार से उस पार मारा तब वो एलिगेटर 3 फीट का मिला था, फिर उसको शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे या कहीं पर दे गया था। दैट्स द रीज़न गाइस, ये सब फिशेस को आप कभी भी लोकल वाटर बॉडीज पे मत छोड़िए। एरापाइम अभी सेम केस, केरला पे आप लोग देखे होंगे बहुत बार न्यूज़ पे दिखाया है। सोचिए वो किसी का हॉबिस्ट का रहता है, उसको छोड़ देता है पानी पे, फिर उसको फिशरमैन लोग पकड़ के काट के खा लेता है, इवन उसका हेड का भी रेसिपी बनाता है। क्या मतलब, मैंने उन लोगों को पता नहीं एरापाइमा फिश का वैल्यू कितना है। बहुत लोग रेड बिली पिराना को भी मतलब छोड़ देते हैं लोकल, वो तो बहुत ख़तरनाक है। ये गलती अब मत कीजिए गाइस। देखिए एरापाइमा एलिगेटर गार्ड ये इजीली ह्यूमन पर अटैक नहीं करता है, तो रेड बिली पिराना ऐसा ख़तरनाक फिश है ना, अगर वो हंग्री रहेगा तो वो एक छोटा बच्चा को भी पूरा एकदम ख़त्म कर देगा, पैर वगैरह अगर पानी में गिरेगा तो उसको डैमेज कर सकते। तो रेड बिली पिराना को भी आप पानी पे मत छोड़िए। फिर गाइस जो टाइगर सोवेन नोस, रेड टेल कैटफिश, ये लोग भी ऐसा नदी पे सरवाइव कर लेगा, क्योंकि वो भी हम लोग का मागुर माछ, सिंगी माछ जैसा है, बस बाहर का है। तो वो भी अगर आप छोड़ दोगे वो भी इकोसिस्टम बर्बाद कर सकता है, बहुत खाता है वो लोग। देखिए मछली पकड़े हमने, वो लोग बहुत खाता है एंड बहुत मोटा होकर ग्रोथ करता है, ठीक है। तो आप कैटफिश, रेड टेल कैट और भी बहुत टाइप का कैटफिश रहता है, उनको आप लोकल वाटर बॉडीज पे मत छोड़िए। सो गाइस गोपाल कुछ बोलना चाहता है। सो फ्रेंड्स वी आर नियर अबाउट 25K, तो प्लीज़ आप इसको जो जल्दी से कंप्लीट कर दो ताकि आपको जो अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको मॉन्स्टर फिश के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो भैया से आप मतलब उनके चैनल पे जाओ, उनसे पर्सनली बात कर सकते हो, आपको जो भी डाउट इन कुछ भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएगा। और आप मैं जिसका जिसका मैं बोला अभी एलिगेटर का एरापाइमा मेरा पास है, कितना खतरनाक है आप लोग भी देखा है, तो वही बता रहा हूँ उन सब फिशेज को इन सब पोखर पे कभी मत डालिए। जय हमार माछगुलो जो देखना छाड़ी की हबे बोले माछगुलो ध्वंस करे खे नहीं ना सब छोटा माछ के। तो गाइस ये छोटा सा बच्चा है, देखिए इसको भी पता है लाइक मेरा पास जो फिश है, अगर वो छोड़ेंगे आप तो पूरा डैमेज हो जाएगा इकोसिस्टम। सो एंड पे गाइस मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप सोच समझ के फिशेस को बाय कीजिए। आप पहले उसको डिसाइड कर लीजिए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आपको अपग्रेड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ ऐसा कोई हॉबीज को दीजिए लाइक मेरा हो गया या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, उनको दे दीजिए, लोकल वाटर बॉडीज पे आप मत दीजिए, ठीक है। एंड अगर आपका कोई प्लान है फ्यूचर में पॉन्ड बनाने का तो आप 100% उनको रखिए, ग्रो आउट कीजिए एक्वेरियम पे 4 फीट 6 फीट का टैंक पे, फिर उनको बड़े 10 फीट या 15 फीट पॉन्ड पे रखिएगा। तो ये हो गया मॉन्स्टर फिश का। एंड एक्वेरियम पे भी जो शार्क्स आप लोग देखते हैं, एल्बिनो शार्क, टाइगर शार्क, ये भी बहुत बड़े हो जाते हैं गैस, तो इनको भी आप लोग नदी पे अगर छोड़ दोगे तो वो लोग सर्वाइव कर लेगा, ऐसा नहीं कि मर जाएगा। बहुत लोग रखा भी है पॉन्ड पे, छोड़ देता है बहुत दिन तक ज़िंदा रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एक्वेरियम का फिश को पानी पे छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा, इजीली मरता नहीं है। हाँ एंजल हो गया, कुछ सेंसिटिव एंड एलिगेटर गार गाइस, देखिए जनरली दो टाइप का इंडिया पे ज़्यादा आता है, अलग होता है। एक छोटा वैरायटी का फ्लोरिडा गार, वो मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। एक और है रियल एलिगेटर गार, जो बहुत ही बड़ा होता है एंड 1 साल में 2.5 फीट तक भी चल जाता है। उसका भी वैरायटीज है, प्लैटिनम होता है, क्रॉस ब्रीड आता है, जेंटिक, शॉर्ट बॉडी, बहुत टाइप का है। सो आप सोच समझ के बाय कीजिए। आपके पास अगर 6 फीट टू 8 फीट का एक्वेरियम है, फ्लोरिडा गार इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास पॉन्ड है 10 फीट 15 फीट का तो आप एलिगेटर गार बाय कीजिए, ठीक है। एंड लास्टली गाइस, सिल्वर अरवाना और भी जो अदर वेराइटीज़ का अरवाना है, ईजिली लोकल पॉन्ड वाटर बॉडीज पर सर्वाइव कर लेगा। मैं ये खुद का एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, मेरा छत पे जो 8 फीट का पॉन्ड है, मैं बहुत टाइप का लोकल फिश के साथ अरवाना को रखा था, बहुत ही अच्छे से था, बस फीडिंग उसको थोड़ा कम मिलता था क्योंकि पानी में कम रखा था। तो अगर वो बड़ा पॉन्ड पे रहेगा तो इजीली छोटा मोटा फिश को खा के बहुत बड़ा हो जाएगा। सो जनरली कोई भी एक्वेरियम फिश, पॉन्ड फिश इजीली हमारे इंडिया वाटर बॉडीज पे सर्वाइव कर लेगा, सिवाय कुछ
स्पीसीज को छोड़ के जिनका वाटर पैरामीटर्स बहुत ही हाई रखना होता है या जो फिश को इजीली गर्म जगह पर रखना पड़ता है, लाइक फ्लावर हॉर्न हो गया, उनको हीटर चाहिए विंटर पे, एंड 90% फिश इजीली लोकल वाटर बॉडीज पे सर्वाइव कर लेगा, तो आप लोग उनको मत छोड़िए। इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर आप वेस्ट बंगाल से है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उतना रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, लोकल पे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, अगर आपका घर पे या आपका दोस्त लोग का पास कोई बड़ा नियरेस्ट एरिया नियरेस्ट पे आपको दिख रहा है एलिगेटर गार्ड या एरापाइमा, कुछ बड़े मॉन्स्टर फिशेज एक्सेप्ट एरोवाना, क्योंकि एरोवाना को लेकर खुद मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अगर कहीं भी दिखता है आप एक बार हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जरूर इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, जितना पॉसिबल होगा हम लोग ट्राई करेंगे। और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हम लोगों ने अभी तक कितना सारा फिशेस रेस्क्यू किया है, एंड इससे पहले रेस्क्यू वाला वीडियो नहीं देखा तो जाओ आप जाके देखो, आई बटन पे मिल जाएगा, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तो हम लोग को एक बार जरूर इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये मतलब थ्रेट है, हम लोग का लोकल वाटर बॉडीज पे एक पूरा थ्रेट है, ठीक है। अगर हमें कांटेक्ट करोगे, अगर आपका जो फिशेज अगर हम लोग के पास रहेगा तो आप जरूर वीडियो में आप उसका जो है इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, जू पे जिस तरह से रखता है उससे बहुत अच्छे से मैं रखता हूँ। हाँ, मिस्टेक सबसे होता है, बट हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और गोपाल हम लोग वीडियो आज एंड कर, थोड़ा फिशिंग करके आज मैं फीडिंग दूंगा, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, पीस।